मोहब्बत की निशानी ताजमहल का दीदार करने हर दिन हजारों की संख्या में देसी और विदेशी पर्यटक पहुंचते हैं। ताजमहल और उसके आसपास पर्यटकों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बंदर है, जो झुंड में घूमते हैं और पर्यटकों से खाने पीने के सामान छीनने के साथ ही हमला करके चोटिल कर रहे हैं। नगर निगम अभी तक ताजमहल और आसपास के क्षेत्र में उत्पाती बंदरों को कंट्रोल करने में नाकाम रहा है। ऐसे में ताज सुरक्षा पुलिस ने पर्यटकों की सुरक्षा और बंदरों के आतंक से निपटने के लिए एक विशेष प्लानिंग की है, जिसके तहत बंदर भगाने के लिए अल्ट्रासोनिक मंकी रिपेलर मशीन लगाई है। वहीं एसीपी ताज सुरक्षा सैयद अरीब अहमद ने बताया कि आगरा आने वाले पर्यटक की सुरक्षा बेहद जरूरी है। पर्यटक की सुरक्षा और सुविधा के लिए पर्यटन पुलिस की दो टीमें बनाई गई हैं। जैसे ही बंदरों के झुंड पहुंचेगा, वैसे ही अलर्ट मिलेगा। बंदरों के हमले की सूचना मिलते ही मौके पर पर्यटन पुलिस की टीमें पहुँच जाएंगी। हर टीम में 4 पुलिसकर्मी हैं, जो बाइक से घूमेंगे। देखिए, बंदरों द्वारा पिछले कुछ सप्ताह में कई पर्यटकों को काटा गया है, घायल किया गया है। ताज सुरक्षा द्वारा एक एंटी मंकी टास्क फोर्स बनाई गई है, जिसमें 2 बाइकें चलेंगी। बाइकों पर ताज सुरक्षा पुलिस के जवान रहेंगे। बंदरों पर कंट्रोल रूम के माध्यम से भी नज़र रखी जाएगी और विभिन्न प्रकार की सूचनाएं जो आसपास के लोग देते हैं उनके माध्यम से भी बंदरों पर निगाह रखी जाएगी। जब भी किसी पर्यटक को हरास करने की या किसी तरह की काटने की सूचना मिलेगी तो ये टीम वहाँ पहुँचेगी, बंदरों को भगाने का काम भी करेगी और अगर पर्यटक घायल है तो उसको उपचार पहुँचाने के लिए फर्स्ट एड का काम भी ये टीम करेगी। जी जी, जो बसई घाट, दशहरा घाट, नगला पैमा, शाहजहां गार्डन जैसे गेट्स जो ताजमहल के हैं, वहाँ पर ये बंदर काफ़ी संख्या में मौजूद है। हमारी टीम इसी के आसपास पेट्रोलिंग करेगी। फिलहाल अल्ट्रासोनिक मंकी रिपेलर मशीन को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया जा रहा है। इस मशीन की रेंज लगभग 350 वर्ग मीटर इलाके में रहेगी। इस मशीन से निकलने वाली ध्वनि तरंगों से बंदर डर जाएंगे और भाग जाएंगे। खास बात है कि इसकी ध्वनि केवल बंदरों को सुनाई देगी, पर्यटकों को नहीं। इस मशीन की ध्वनि बंदरों के कानों पर असर करती है। जिस स्थान पर ये मशीन लगी होगी उस रेंज में बंदर नहीं आते हैं। सबसे पहले 2015 में अल्ट्रासोनिक मंकी रिपेलर मशीन का इस्तेमाल शिमला नगर निगम ने किया था, जो सफल रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए आगरा से मान मल्होत्रा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।